एज एन आर्टिस्ट मेरी डिफरेंट सीरीज हैं जिसमें मैं काम करता हूँ, तो ये वाली बेसिक पर्टिकुलर सीरीज आई कॉल इट विंग थॉट, और ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है थॉट्स की। तो समहाउ जब पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कॉन्टेक्स्ट में उससे बात हुई तो समहाउ हम कनेक्ट हो गए कि वो जो लोग एक यूनिकनेस चाह रहे थे अवार्ड की ट्रॉफी के लिए, वो उन्हें इस विंग थॉट में नजर आई और इस तरह से ये आइडिया डेवलप। शायद ऐसा मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं हुआ है कि किसी आर्टिस्ट का ओरिजिनल पीस एज एन अवार्ड सर्व किया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे हैंडमेड है और मैनुअली डन है। सो मैं अगर जितनी भी कोशिश करूँ तो मैं 100% उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी, यानी 99% हो सकता है कि ये कोई आइडेंटिफाई ना कर सके कि कोई फर्क है, लेकिन जो 1% का फर्क है वो इसे यूनिक बनाता है। ये कोई सिंपल एक किसी एक प्रोसेस के थ्रू नहीं बना, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। ये मेटल में है, ब्रास है, ब्रास का बड़ा गोल्डन लाइक लुक होता है, तो इसकी अगर किसी को मेटल का ना पता हो तो ये बड़ा गोल्डन सा लगता है। फिर प्लस इसमें लेथ मशीन, इसमें गैस वेल्डिंग, इसमें फॉर्जिंग, ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग, तो बहुत सारी, और फिर उसके बाद बफिंग और पॉलिशिंग वगैरह, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है। ये प्योरली 100% हैंड क्राफ्टेड और मेरे अपने हाथों से बना हुआ, मेरा बेबी है।